सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस देख लो, आज का ब्लॉग भी हमने कर दिया अपने घर से स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में हमारे पास एक स्पेशल चीज़ जो कि तुम्हें दिखाता हूँ अभी के अभी। तो देखो पहले स्पेशल चीज़, फिर आज के ब्लॉग में ये चीज़ हमारे पास स्पेशल है कि हमारे पास है मुदस्सर की बाइक। देख सकते हो जैसे तुम्हें ये लगी हमारी मुदस्सर की बाइक पीछे। तो यार आज हम मुदस्सर की बाइक ले आए हैं उसे, तो आज इसी भी जाएंगे हम राइड करने के लिए। तो यार मुदस्सर की बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट वगैरह, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख लो, जैसे कि मैंने धूप में कर दिया है मुदस्सर की बाइक को पार्क, और करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। तब मेरे जेब में शायद, तो यार सर्दियाँ आ गए तो इतना तो पता हो गया कि कोल्ड स्टार्ट तो करना ज़रूरी होता है बाइक को, क्योंकि घर से लेकर ऐसे निकलोगे तो वो भी बंद हो सकती है। देख लो यार, तो यहाँ पर ठोकर दिया हमने कोल्ड स्टार्ट फाइनली यार पहले। तो यार अभी 5-10 मिनट के लिए हमने की थी इसको कोल्ड स्टार्ट, तो यार अच्छे से स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद अभी हम निकलने वाले हैं राइड पे। थोड़ा यार थोड़ी गंदगी सी लग रही है, मतलब देखो वहाँ पर दो पाँच मतलब सुबह सुबह जो पानी होता ना बाइक पे वो आ गया, वो ठंडी की वजह से। और यहाँ पर तुम देख सकते हो मिट्टी के निशान छोटे से, थोड़ा सा कपड़े से साफ करते हैं तो फिर निकलेंगे आज शानदार सी राइड पे। यार वीडियो में आज बने रहना, क्योंकि आज तुम्हें बहुत अच्छी राइड देखने को मिलती है, क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह पे। तो अभी हम बहुत दूर जाने वाले हैं एक बार, तो इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज तभी हम मुदस्सर की बाइक लेके आ गए। तो चलो यार मिलते हैं आपको बाइक। तो यार बाइक को ले आए, अभी हम सबसे जरूरी काम कर लेते हैं, पहले डलवा लेते हैं फ्यूल। फ्यूल डलवा के फिर जाएंगे आगे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सफ़र है, फ्यूल तो ज़रूरी है। अभी हम निकल गए फ्यूल डलवा के, तो अभी हम जा रहे हैं बहुत दूर जाना यार हमने ऐसे, तो तुम्हें रास्ते में पता लग भी जाएगा हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मेरी मम्मा पीछे बैठी हुई है आज, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला आज की राइड में। मतलब राइड में क्या, वहाँ जाकर और बहुत अच्छे से नज़ारा दिखाऊंगा भाई तुम्हें, तो बने रहना ब्लॉग में। तो बाकी अपने दोनों डलवा दिए हमें फ्यूल, और थोड़ी पावर आ गई उसमें दौड़ रही है देखो। तो बाकी यार मुझे सिर्फ कल मैंने बाइक कर ली थी एक्सचेंज, मैंने उसको अपनी दे दी, तो मैंने उसके लिए आया था मतलब बाइक। तो यार केटीएम वगैरह बाइक्स ना होती बहुत अच्छी हैं, पावरफुल है, लेकिन एक सेकंड सर एक ही दिक्कत है सिर्फ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर दो नाके होते ना, वो इसको देख के ना मतलब जब भी पकड़ने को ट्राई करते हैं, पर नहीं हम क्या कह सकते हैं उनको, हर बंदा यार वैसा नहीं होता। तुम क्या सोचोगे, हर बंदा छपरी वाली हरकत करेगा केटीएम लेके? मैं तो नहीं करता यार छपरी वाली हरकत, किसी की बाइक के साथ बिल्कुल नहीं करता ना। इतनी अपनी बाइक को ना मेरे बंदा देखता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो कर देना यार वीडियो को लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि यार मैंने तो कर रहा हूँ, क्योंकि झुंड में जाना ब्लॉग बनाना आसान है, अकेले ब्लॉग बनाना मुश्किल होता है यार। तो बाकी मैं कुछ राइड के बारे में सोचा हुआ है, मैंने सोचा हुआ है कि जनवरी मंथ में यहाँ जब बर्फ गिरती है थोड़ी थोड़ी, उस मंथ में हम शायद पत्नीटॉप राइड करें बाइक पे। तो इसके लिए मैं राइडिंग जैकेट की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ कि राइडिंग जैकेट ले लूँ मैं एक, और थोड़े राइडिंग गियर्स ले लूँगा, राइडिंग पैंट, राइडिंग शूट सब कुछ लेने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखते हैं, घर वाले मानते कि नहीं, मैंने बोला था कि मेरे को चाहे इस बार आप सर्दियों में जैकेट और कपड़े पहन लेंगे, लेकिन तुम लोगों को राइडिंग गियर जरूर चाहिए। तो अभी घर वालों को मनाना पड़ता है, तुम्हें पता है घर वाले मानते नहीं है आसानी से। चलो यार देखते हैं, बाकी घर वाले मानेंगे ठीक है, नहीं मांगेंगे फिर करना पड़ेगा। तो यार बाकी तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब कि क्या सरप्राइज था 4K पे, 4K सरप्राइज किया था, बड़ा बोल रहा था आयरन की 4K सरप्राइज होगा। तो यार सच बोला ना, अभी मैं सरप्राइज वाली वीडियो आई नहीं, मतलब आने में कुछ दिन लग जाएंगे, कि यार मतलब बता रहा सरप्राइज था आ गया। तो सरप्राइज ये गया, हमने अपनी बाइक करानी थी मॉडिफाई, उसके लिए मैंने अपना सामान जो था उसको मैंने करवा दिया ऑर्डर, थोड़े दिन में वो सामान आ जाएगा। तो उसके बाद हम मतलब वो वाली ब्लॉग ले आऊंगा आपके लिए, जब हमारी पूरी मतलब बाइक मॉडिफाई होगी। तो बाकी मैंने सरप्राइज तो दो रखे हुए हैं आपके लिए और अच्छे अच्छे से, और 5K के लिए न्यू सोच के रख लिया हुआ है। तो मैंने बताया था यार कि मैं कैमरा ले लिया तो मैं आईफोन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अब मैंने सोचा हुआ था इसकी 5K का जब टारगेट पूरा हो जाएगा तब हम आईफोन जरूर लेंगे। तो अभी मैं लीन करते हुए आ रहा था, फिर मुझे याद आया यहाँ गिर गया, देखो कितना बड़ा हम्प, देखो कितना बड़ा हम्प है यार, झटका से लगता है इतना बड़ा हम्प है, तो गिरना था इस मोड़ में लीन करोगे तो चलो गलती हो गई, अब नहीं करेगा, तो हमने थोड़ा गलती दोहरानी है जो बंदे ने कर दी। तो सेफ चलो यार, ये बंदर भी बीच में आ रहा है, सेफ चलो सेफ, मतलब इतना स्पीड करो कि जो तुमसे हैंडल हो पाए, अगर तुमसे हैंडल नहीं हो पाती तो फिर नहीं करो स्पीड। मैं मना नहीं कर रहा कि ज़्यादा स्पीड मत करो या ऐसे करो, स्पीड करो पर अपनी लिमिट की करो, जब तुम संभाल पाओ। कसम से यार बंदर ना बहुत खराब कर रहे हैं, मैं फिर से मतलब
देखो कहाँ पहुंचे हैं, टोल प्लाजा। हाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा। तो भाई हमें बोल रहे हैं साइड से जाओ। तो हमें कौन सा शौक है यार, हमें कौन सा शौक है कि हम फाइन भरे यहाँ पर। हमें कोई जरूरत नहीं है टोल भरने की, हम ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि यार बारिश का एक ही मजा है, तुम्हें कोई टोल वगैरह पे नहीं करना पड़ता। यार बंदरों ने बहुत तंग किया, कैसे कैसे रोड गए थे यार। इनके लिए कुछ करना होगा, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इनको रेस्क्यू करके यहाँ से कहीं पर फॉरेस्ट में जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यार ये जो गाड़ियों वाला एरिया ना, यहाँ पर इनको खतरा ज़्यादा है। तो मैं समझ गया मैं क्या कहने जा रहा हूँ यार, इनकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं बहुत सारे, और जानवर ही मरते रहते हैं। इन बेचारे ना समझ, मतलब ये समझ नहीं होती इनको ना। तो यार इसका एसी ऑन हो गया, मैं बोल रहा हूँ पंखा ऑन हो गया हुआ इसका। ये देखो ये हमारी नन्नी परी, जो कि तुम्हें धूप में कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखो हमारी नन्नी परी, इतना ज़्यादा सफ़र करवाया इसने हमें, इतनी ऊंची सीट है यार, मम्मा बोलते कि कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। तो बाकी इसका फ्लैशर गलत ऑन हुआ मेरे को लग रहा है, ये भी नहीं सही। हाँ ये सही लग रहा है, पीछे से दिखाता हूँ ये ठीक है। एक और यूज़ करता है ये देखते हैं। हाँ ये सबसे बेस्ट है, तुम्हें भी ठीक ही लग रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है सबसे। चलो यार इसको करते हैं ऑफ वगैरह, तो अंदर जाके भी देखते हैं। सो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो अभी पहुँच चुके हैं, मतलब हम नानी घर तब से पहुँच गए थे, पर देख लो अभी शाम हो गई पूरी, और ये खड़ी पीछे हमारे धनो। तो अभी हम जाने वाले हैं चज्जर, तुम पता ही वो चज्जर कोटली में अगर आए तो चज्जर नहीं गए तो फायदा क्या, वहाँ जाने वाले हैं तो यहाँ से निकलने लगे हैं। चलो यार आपको मिलते सीधा वहीं पे बाइक पे। वेदन हाँ सफेद के पेड़ है, इसे लकड़ी क्या बनता है, बैट वगैरह बनते हैं। अच्छा नर्सरी है यहाँ पे, तो यार यहाँ पर साइड पे है, मतलब कि पेड़ पौधों की नर्सरी, और यहाँ पर साइड पे हमारा स्पॉट है जहाँ पर हम जाएंगे। तो यार गाइस मैं चप्पल पहन, देख लो यहाँ पर मैं चप्पल पहन के आया हूँ यार, चप्पल पहन के इसलिए आया क्योंकि यार यहाँ पर शूज पहनेंगे तो गीले हो जाएंगे। अब ये कोई जज नहीं करना मेरे को, भी मैं चप्पल पहन के आया हूँ, छपरी हूँ, मुझे पता है यार बस कुछ बहुत तेज लौंडे होते हैं। तो ऑफ रोड कर रहे हैं अभी हम KTM से, थोड़ा ही है ज़्यादा नहीं है। बाकी यार आज का रिएक्शन बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि एरिया में ना कोई बाइक वगैरह तो है नहीं है KTM की। तो मेरे को अभी पीछे भी बहुत सारे रिएक्शन है, जब मैं मतलब आया था ऊपर गया उसने पहले अपने मामू घर पे, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा रिएक्शन आया मेरे को, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था यार, मैं कैमरा ऑफ किया था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे रिएक्शन आते रहते हैं यार। तो यहाँ पर देख लो यार वो पूरी पूरी ना चज्जर पार करके आ रहा है, हमने यहाँ जाना है, तो मेरे को इसीलिए पार नहीं ना करना चाहता, तभी हमने बाइक यहाँ पर लगाई। तो बाकी आप देख सकते हो हमारी रानी को जो कि यहाँ पर पार कर दिया है। ये पुल तुम्हें पता होगा यहाँ पर यार, थोड़े दिन पहले ना राइडर्स आए थे, मेरे को भी याद है, मैंने कुछ रील्स वगैरह देखी थी। तो यहाँ से बहुत अच्छी लोकेशन आती है यहाँ पर, पूरा देख लो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी वहाँ जाने वाले हैं पूरी यार, मज़ा आने वाला है, चलो देखते हैं वहाँ जाके आपको। तो अभी हम जा रहे हैं यहीं पर नहाने के लिए यार, पिछली बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, गहरा पानी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो मैं वाटरप्रूफ केसिंग भी लेके आया हूँ, अभी तो मज़े ही मज़े हैं यार। देखो यहाँ पर रख के अपना सामान वगैरह देख लो। चुके हैं नहा धो के बाहर, तो पीछे देख सकते हो तुम यहाँ चज्जर मारे हो, ठंड लग रही है यार, छत में पता सर्दियों का मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ में नहा रहे हैं, लिटरली ठंड लग रही है और यहाँ पर देख लो हमारी हेलमेट, आपको मेरे हाथ में काम तो दिख रहे हो, नीचे हमारी हेलमेट पड़ी है।
तो यहाँ से नहा के अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। तो बाकी आज के ब्लॉग में तुम्हें देख लिया होगा क्या दिखा हुआ है आज के ब्लॉग में, यही सब था आज के ब्लॉग में। तो बाकी यार अगर तुम्हें ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा हो तो कर देना ब्लॉग को लाइक, सॉरी हाँ ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ वीडियो में, तो फिर बाय बाय।